हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें या बिरसा मुंडा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या बिरसा मुंडा विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुरा के दे सकता है। इसका हम बस एक ट्रिक आप सभी को बताएंगे। अगर उस ट्रिक को समझने के बाद अगर आप इस पूरा क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे तो आप मेरा वीडियो मत देखना। ठीक है, बस एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे, उससे सारा आप वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आपके पास हेडफोन है, हेडफोन लगाओ कान में और बस एक बार वीडियो को सुन लो। सिर्फ देखना नहीं है, बस सुन लेना है, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। नहीं अगर समझ में आता है तो आज के बाद मेरा वीडियो नहीं देखना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बताइए बिरसा मुंडा आंदोलन या तो बिरसा मुंडा विद्रोह किसी भी तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा। ठीक है, देखो आखिर ये चीज़ें है क्या, बिरसा मुंडा आंदोलन है क्या। तो देखो ये बात है झारखंड की। आप सभी को पता है कि झारखंड में अलग अलग प्रकार का जनजाति लोग रहते हैं। तो झारखंड में एक जनजाति है मुंडा जनजाति, जो कि जंगलों में रहते हैं, आप सभी को पता है। और ये अभी का बात नहीं हो रहा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था इसके पहले की बात है। ठीक है, तो झारखंड में मुंडा जनजाति के लोग जंगलों में रहते थे। अब उधर से अंग्रेज लोग आते हैं, यानी कि ब्रिटिश लोग आते हैं। ठीक है, और वो लोग अपना फ़ायदा कमाने के लिए जो जंगल में मुंडा जनजाति के लोग रहते थे हमारे झारखंड में, ठीक है, वहाँ पे आए और उन लोगों ने क्या किया, अपना फ़ायदा कमाने के लिए इन लोगों का खेती को छीना गया, इन लोगों से पैसा लिया गया, इन लोगों से जबरन काम करवाया गया। तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इन लोगों को बुरा लगने की वजह से इन लोगों ने सभी जो मुंडा जनजाति के लोग थे मिल करके जो ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार जो आए थे लूटने के लिए इनको, उसके प्रति इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, आंदोलन किया। ठीक है, और वही आंदोलन का नाम है बिरसा मुंडा आंदोलन, या बिरसा आंदोलन कहो या तो बिरसा विद्रोह कहो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, अब इसका नाम बिरसा मुंडा आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जो मुंडा जनजाति के लोग थे ना, जिन पर अत्याचार किया जा रहा था, तो इन लोगों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह खड़ा कर दिया, लड़ाई लड़ा। तो इनमें से एक इनका खास व्यक्ति था, जैसे हम लोगों का एक मैन व्यक्ति कैसे रहा था, मैन आदमी, वैसे इन लोगों का भी एक मैन नेता था, मैन आदमी था, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। वो मैन आदमी था, उसी के रास्ते पर ये सब चलते थे। ठीक है, तो उसी के नाम पर इस आंदोलन का भी नाम पड़ गया बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, इनके मैन व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा और उन्हीं के नाम पर पड़ गया बिरसा मुंडा आंदोलन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बस मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूंगा, आप सुन लो, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम 50 लाइन बताते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में जो मैंने 50 लाइन बताया वही जाकर लिखोगे। आप 50 लाइन से क्या सीखें उसको आप लोग लिख करके आओगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं परिचय। तो बिरसा मुंडा आंदोलन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में हुआ, यानी 19वीं शताब्दी जब खत्म होने जा रहा था, यानी 19वीं शताब्दी के सबसे लास्ट में। ठीक है, इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, बिरसा मुंडा था। आपको मैंने बता दिया था इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, बिरसा मुंडा था, जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी थी। ठीक है, ये आप माता पिता का नहीं याद रखोगे चलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि आप जनरल यानी बीए में हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट छोड़ भी दोगे तो भी आपका नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट आप लिखते हो। ठीक है, तो उसका माता का नाम और पिता का नाम देख लिया। बिरसा मुंडा एक छोटे किसान के एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। जो बिरसा मुंडा थे वो एक छोटे किसान के एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। ये छोटा सा हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा किसका, बिरसा मुंडा का। आखिर क्यों, क्योंकि उन लोगों का जो मैन व्यक्ति था वो बिरसा मुंडा ही था ना, तो इसलिए हम बिरसा मुंडा का एक खास परिचय हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखो दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा हम जैसे बोलते हैं ना अपशब्द का, अपशब्द मतलब इतना भी कोई गलत वर्ड नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा हट करके कुछ वर्ड का यूज करेंगे तो उसको आप लोग माइंड मत करना। ठीक है, ये हो गया कुछ उसका परिचय। अब देखो सन 1900 ईस्वी का बात है। सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा द्वारा आदिवासियों लोगों को एक साथ करता देखकर ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। देखो हुआ क्या, 1900 का बात है, बिरसा मुंडा जो थे उसने क्या किया, अपने आदिवासी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कुछ बात कर रहे होंगे, यानी आखिर मैन व्यक्ति वहाँ के कौन थे, बिरसा मुंडा थे, तो वे अपने आदिवासी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कुछ बात कर रहे होंगे। तो इससे ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों को बुरा लगा,
कि ये सभी को एक साथ मिला करके बात नहीं कर रहा बल्कि सबको कुछ कुछ भड़का रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसके आरोप में बिरसा मुंडा को विद्रोह भड़काने के आरोप में कि ये विद्रोह भड़का रहा है, ठीक है, इसके कारण इसको क्या कर लिए, इसके आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और उन्हें 2 साल की सजा सुना दिया गया जबरदस्ती, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में किया गया। उसके बाद जोर शोर से पकड़ लिया, जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया तो उनके जो लोग थे उसको जोर शोर से क्या करने लगा, इसका विद्रोह करने लगा, और आंदोलन धीरे धीरे क्या होने लगा, तेज होने लगा, ठीक है। चलो थोड़ा और नीचे देख लेते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन भारतीय इतिहास में अनेक महान आंदोलन में से एक है। देखो बिरसा मुंडा आंदोलन को आप लोग आसान मत समझना, हल्का मत लेना, ये भारतीय इतिहास में अनेक महान आंदोलन में से एक था। स्टार्ट हुआ था झारखंड से, लेकिन ये पूरा भारत के महान आंदोलन में से एक था, ठीक है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने में भी अहम भूमिका निभाया है, बिरसा मुंडा आंदोलन। अब इसका कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। देखो मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहज रही थी। मतलब मुंडा जनजाति जो लोग थे वो लोग आराम से अपने जनजाति कृषि करते थे, जंगलों में रहते थे और आराम से अपना जिंदगी जीते थे, ठीक है। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी, ठीक है। ये छोटा नागपुर की जनजाति थी, इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियां नहीं बने, मतलब इनके लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से विवाद में आए, झगड़े करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजों लूटमार से मतलब देखो शांतिपूर्ण से अपना जीवन व्यतीत करते थे, बट इन लोगों के जिंदगी में शांतिपूर्ण ना होकर के अशांतिपूर्ण हो रहा था। इन लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा था, अंग्रेज इससे लूट रहे थे, तो इन लोगों से रहा नहीं गया और इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के प्रति अन्य जो ब्रिटिश सरकार उसके प्रति इन लोगों ने बिरसा मुंडा आंदोलन खड़ा कर दिया और उसका गति को तेज कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ गया, अभी तक आप लोगों ने इसका परिचय को बस एक देखा है कि इसका बिरसा मुंडा आंदोलन का जन्म क्या हुआ, इसका माता पिता कौन थे, आखिर क्या रीजन रहा कि आंदोलन धीरे धीरे शुरुआत हो गया, ठीक है। इन लोग आराम से रहते थे, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वही लोग आकर के इनको क्या किया, छेड़ने का प्रयास किया, फिर इन लोगों से रहा नहीं गया। अब यहाँ पे आते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन का मेन कारण क्या था, आखिर लोगों से क्यों नहीं रहा गया, लोगों के साथ क्या ऐसा चीज़ें गलत हो गया, क्या अंग्रेज आकर के उनके प्रति क्या उसके प्रति गलत किया लोगों पर ताकि इन लोगों से रहा नहीं गया और उसके वजह से आंदोलन खड़ा हो गया, आखिर क्या कारण था, ये आंदोलन होने का मेन कारण क्या था। हालांकि इसके पहले भी मैंने कारण देख लिया कि इनके साथ गलत किया जाता था, ठीक है, लेकिन मेन कारण क्या था। तो देखो बिरसा मुंडा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, एक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण। हम 5 कारण बताएं, क्या कोई ज़रूरी कि एग्जाम में आप 5 ही लिखो और मेरा ही बताई हुई चीज़ लिखो, ठीक है। तो जैसे भी आपको नंबरिंग में याद रहता है वो लिखो, पहले आर्थिक कारण तो आर्थिक कारण लिख लो, अगर आपको दूसरे नंबर पर याद आ गया सांस्कृतिक कारण तो वो लिख लो, ठीक है। अब आपको मैं पहले बता दूं, आर्थिक कारण में सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही बात किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक मीन्स होता है आपका पैसा से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही यहाँ पे बात किया जाएगा, जैसे टैक्स वगैरह के बारे में कि इन लोगों से टैक्स लिया जाता था, इन लोगों को पैसा छीन लिया जाता था, इस टाइप से, ठीक है, आर्थिक के कारण के अंदर ये आ जाएगा। फिर सामाजिक कारण मतलब ये समाज से संबंधित आएगा। राजनीतिक कारण मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जब 2 लोग रहते हैं और एक लोग किसी के पक्ष में ज़्यादा बोलता है, किसी और से होकर के ज़्यादा बोलता था, हम बोलते हैं देखो फिर ये राजनीति करने लगा, यहाँ राजनीतिक वाला बात हो गया, तो एक राजनीतिक कारण हो सकता है। धार्मिक कारण जो हमारा धर्म से संबंधित रहता है, जैसे लड़ा दिया जाता था कि ये जाति तुम्हारे जाति का विरोध करता है, तुम्हारे जाति को गाली देता है, इस प्रकार से भी पहले लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाता था, ठीक है। सांस्कृतिक कारण हमारा रीति रिवाज अलग है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी झगड़े हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है, बस पढ़ देंगे आपको समझ में आ जाएगा। आर्थिक कारण जो कि पैसों से संबंधित है, ठीक है, आखिर आर्थिक कौन सा ऐसा कारण था जो इन लोगों ने लड़ाई लड़ दिया, ठीक है। तो देखो मुंडा जनजाति के मध्य खेती की एक विशेष प्रणाली प्रचलित था, यानी कि जो मुंडा जनजाति लोग थे झारखंड में आराम से क्या करते थे, खेती करते थे, जिसके अंतर्गत कृषि सामूहिक भूमि वास्तविक स्वामित्व के द्वारा संचालित होते थे। मतलब इन लोग खुद खेती करते थे और खेती का जो खुद ही स्वामी रहते थे, स्वामित्व मतलब ये खुद खेती करते थे और उसका मालिक भी खुद ही रहते थे, ठीक है। इन लोग
परंतु जब ब्रिटिश सरकार ने आया ना तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और जमींदार व्यवस्था को लागू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं जनजातियों में असंतोष की भावना जागृत हो गया। मतलब पहले लोग खुद खेती करते थे और खुद ही उसका मालिक रहते थे, लेकिन जब अंग्रेज लोग आया तो जमींदार वाला सिस्टम हो गया। मतलब उन लोगों से जमीन छीन लिया और फिर बोला कि चलो हम जमीन आप लोगों को साझा के तौर पर देते हैं। अब जमीन पहले छीन लिया, फिर जमीन उन लोगों को दे दिया, और अब जमींदार वाला सिस्टम हो गया कि हम बन गए जमींदार, आपको दे दिए जमीन, आप जमीन पर उपजाओ, आधा मेरा आधा आपका। तो पहले तो मालिक वो लोग खुद थे, लेकिन अब उन्हीं का जमीन पर यहाँ पे जमींदार वाला सिस्टम लागू हो गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बुरा लगेगा और उन लोगों का पैसा कम, आखिर पैसा का कमी होगा ना जब उन लोगों का अच्छे से फसल नहीं होगा, आधा फसल जो होगा उसमें बंटवारा हो जाएगा, यहाँ पे जमींदार वाला सिस्टम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पैसों में कमी आएगा, तो ये हमारा आर्थिकीकरण के अंदर आएगा। इस कारण से भी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह करने के लिए इन लोग प्रेरित हो गया और विद्रोह यानी कि लड़ाई लड़ने लगा। दूसरा कारण क्या है, भू राजस्व यानी जिसको टैक्स बोलते हैं, अनियंत्रित तरीके से बढ़ाया गया, यानी कि टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि इन लोगों से टैक्स लेना है, और अत्यधिक भू राजस्व यानी कि अत्यधिक टैक्स होने के कारण मुंडा भुगतान करने में असमर्थ रहते थे, यानी कि मुंडा जनजाति के जो लोग थे वो अधिक से अधिक टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसकी वजह से भी इन लोगों ने आंदोलन को छेड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुंडाओं के अहम संपत्ति यानी जंगलों के प्रयोग से उन्हें वंचित कर दिया गया जो कि इनका आजीविका के प्रमुख साधन थे। अब क्या किया, जब ब्रिटिश सरकार आए तो इन लोग मुंडा जनजाति जो जंगल में रहते थे यहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया। अब इन लोग कहाँ पे मतलब किस पर आश्रित रहते थे, इनका जीवन रोटी क्या था, इनका आखिर जो रोजी रोटी चलता तो क्या था, जंगल ही था, और यहीं से इसको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट देखे हैं, ये तीनों पॉइंट में मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित चीज़ें इनका खत्म हो गया, जो कमाने का एक सोर्स था, कमाने का जरिया था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इस वजह से भी इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया, तो ये हमारा आर्थिक कारण हो गया पैसों से संबंधित। अब आते हैं सामाजिक कारण। तो देखो, अब मान लो इन लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या समाज अच्छा चलेगा, हमारे गांव है, हमारे गांव में किसी के पास पैसा नहीं है तो हमारा समाज अच्छा चलेगा नहीं, तो सब कुछ पैसों का खेल होता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति खराब तो सामाजिक स्थिति भी खराब, किसी भी समाज की अगर आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाया जाता है ना तो सामाजिक संरचना स्वतः ही छिन्न भिन्न हो जाती है। यही स्थिति मुंडाओं के साथ भी हुआ, उन लोगों का पहले आर्थिक स्थिति खराब हुआ, फिर उन लोगों का आर्थिक स्थिति के कारण सामाजिक स्थिति भी खराब हो गया। यहाँ की जमीनों ब्राह्मणों को दान स्वरूप मिलने लगा, जो इन लोगों का जमीन था ना वो ब्राह्मणों को दे दिया गया, सोच लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जंगलों में शांतिपूर्वक जीवन यापन करने वाले मुंडा जनजाति के समाज में हिंदू राजाओं द्वारा शासन की सामाजिक व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया गया। जो जंगलों में लोग शांतिपूर्वक से रहते थे ना, यहाँ के लोगों को हिंदू राजाओं को द्वारा शासित करवाया जाता था, मतलब हिंदू राजाओं से इन लोगों को क्या करवाया जाता था, लड़ाया जाता था, ठीक है, और इनके जो दशा था उनको खराब कर दिया जाता था, ठीक है। इनकी सामाजिक व्यवस्था को खराब किया गया था आपस में लड़ा करके, हिंदू राजाओं से इनको लड़ा दिया जाता था, ठीक है। ये हो गया सामाजिक कारण। अब देखते हैं राजनीति कारण कि किस प्रकार से वहाँ पर राजनीति किया जाता था। देखो, चूंकि अंग्रेज के हित में कौन था, स्थानीय जमींदार से मेल खाते थे। देखो, वहाँ के जो जमींदार लोग थे, जमींदार का मतलब ये जिसके पास ज़्यादा जमीन था, यानी कि जो वहाँ का अमीर लोग थे, ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इतना दिमाग लगाया, जमींदारों से ही दोस्ती कर लिया, मतलब बड़े लोगों से ही दोस्ती कर लिया कि बड़े लोगों से दोस्ती करेंगे तो फिर जो छोटे छोटे किसान हो तो हमारे ही हक में आ जाएंगे, तो ऐसे से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। तथा स्वामित्व, स्वाभाविक सी बात है कि जमींदारों को विशेष अधिकार तो मिलने ही थे। अब देखो, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने दोस्ती की जमींदारों से, ठीक है, अब जमींदारों को तो अंग्रेज विशेष अच्छा सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, हम कह सकते हैं कि अंग्रेज ज़्यादा ज़्यादा अधिकार किसको देंगे, किसानों को कि जमींदारों को, जमींदारों को देंगे, तो जमींदारों को विशेष अधिकार तो मिलने ही थे अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों ने उसको विशेष अधिकार दे रखा था जमींदारों को, जिसके कारण जमींदारों ने मुंडाओं को शोषित करने के रूप में किया, और उसके बाद क्या किया, जमींदार जो लोग थे वो मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कर लिया, शोषित करना शुरू कर दिया। अब शोषित कैसे करेगा, देखो जमींदार लोग कैसे करता किसान को शोषित, जमींदार के पास ज़्यादा जमीन होता है, वो दे देगा किसान को खेती कि आप खेती करो। अब मान लो कभी सूखा पड़ गया, खेती नहीं हुआ, तो जमींदार उस चीज़ को नहीं समझेगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में किसान का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जमींदारों को अपना किया और जमींदारों से लुटवाया किसको, फिर मुंडा जनजाति लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे राजनीति किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अन्य ब्रिटिश विभेदकारी नेताओं कारण मुंडाओं को लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, जिसने कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न होने लगी। देखो, अब इसके अतिरिक्त बताइए कि अन्य ब्रिटिश
विभेदकालीन नीति, यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारा ब्रिटिश का नीति था जिसके कारण मुंडाओं को यानी मुंडा जनजाति लोगों को लगातार प्रताड़ना पड़ना, ठीक है, यानी कि लगातार उन लोगों को क्या हुआ, प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, लगातार उन लोगों के साथ गलत हुआ। इनका बहुत सारा ऐसा नीति था जिसकी वजह से इन लोगों के साथ क्या हुआ, गलत हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न होने लगी और विद्रोह तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है धार्मिक कारण। अब देखो, ईसाई मिशनरियों ने मुंडाओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जो ईसाई लोग थे ना, वो मुंडाओं को क्या करे, जो मुंडा जनजाति के लोग थे, इनको जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन करवाया गया, यानी कि जो ये धर्म के था उसको ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा लिया गया। ठीक है, कुछ मुंडाओं ने परेशान होकर के उसका बात भी मान लिया, ठीक है, और उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। परंतु जब मुंडा सरदारों ने भूमि वापसी का आंदोलन चलाया और जिस टाइम मुंडा जनजाति लोग इनका जो जमीन छीन गया था उसके लिए इन लोगों ने जब आंदोलन किया, उस टाइम वही ईसाई लोग इनका साथ नहीं दिया। सोचो, जो ईसाई धर्म अपना लिए मुंडा लोग, आखिर मुंडा लोग ईसाई धर्म अपनाया ना ईसाई लोगों के कहने पर, लेकिन जब मुंडा लोग अपना जमीन के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उस टाइम ईसाई लोगों को उनको साथ देना चाहिए था कि हमारा धर्म इन लोगों अपनाया तो हमें साथ देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने साथ नहीं दिया और साथ देने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, हम आपका धर्म को अपनाया और आप मुझे साथ नहीं दे रहे, सोचो कितना गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद पांचवा सांस्कृतिक कारण। तो मुंडा जनजाति के लोगों की सबसे अहम पूंजी जंगल थी। वह जंगलों से संबंधित अनेक मान्यताओं को मानते थे। अब जंगल में रहते थे तो इन लोग बहुत जंगलों की बहुत ज़्यादा मानते होंगे, हो सकता है पेड़ पौधों से इसका जीवन रोटी चलता था, तो हो सकता है उसको पूजा भी करते होंगे, तो उनका जो संस्कृति तो वो तो सारा जंगल में ही था, लेकिन जंगल को तो उजाड़ दिया गया जिसके वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। ठीक है, अब देखो, उपरोक्त कारणों से असंतुष्ट होकर लोगों ने उत्पीड़न में बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। उपरोक्त मतलब हम लोगों ने टोटल पांच कारण देखा। ठीक है, अब इन सभी कारणों से मुझे यही पता चलता है कि इन लोगों ने उत्पीड़न हो गया था और इस उत्पीड़न के वजह से बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। ठीक है, अब बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी कि इन लोगों ने जब आंदोलन किया तो इन लोगों का उद्देश्य क्या था, यानी कि इन लोग चाहते क्या थे। उद्देश्य मतलब होता है चाहना, कि इन लोग क्या चाहते थे। हम पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है नौकरी पाना, हमारे पापा कमा रहे हैं, उद्देश्य है कि हम कुछ पढ़ें, हम कुछ करें, तो उद्देश्य क्या था इन लोगों का। तो इन लोगों का लड़ाई लड़ने का उद्देश्य बस एक ही था कि भूमि का इन लोगों को वापसी मिल जाए। आखिर मुंडा जनजाति को लोगों को लड़ने का बस एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो ज़मीन है वो वापस मिल जाए। दूसरा रीज़न था ब्रिटिश शासन की समाप्ति, जो ब्रिटिश सरकार आ गए थे उसका समाप्त हो जाए, वो हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं उसकी समाप्ति हो। तीसरा, इन लोग चाहते थे कि धार्मिक सुधार हो, कि धर्म के साथ बहुत गलत हो रहा है, धर्म पर सुधार किया जाए। चौथा, आदर्श राज की स्थापना हो। आदर्श मतलब एक अच्छा राज, राज मतलब होता है देश, ठीक है, एक अच्छा देश की स्थापना हो। ठीक है, पांचवा था सामाजिक कुरीतियां से मुक्ति। कुरीतियां मतलब बुराई, जो समाज में बुराई आ गया था, जो गलत हो रहा था लोगों के साथ, उससे मुक्ति हो जाए सभी लोग। यही सब चीज़ें चाहते थे कौन, मुंडा जनजाति के लोग, उन लोगों का बस यही उद्देश्य था, पांच उद्देश्य। ठीक है, अब आते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम, कि क्या उनका परिणाम रहा। आखिर इन लोगों ने आंदोलन तो कर दिया, लेकिन क्या उसके वजह से कुछ इन लोगों का रिजल्ट मिला, क्या कुछ फायदा हुआ। परिणाम मतलब फायदा यानी रिजल्ट। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के निम्न परिणाम रहे, क्या क्या फायदा मिला, चलो देखते हैं। तो इन लोग का आंदोलन से रिजल्ट यही हुआ कि ब्रिटिश प्रशासन आदिवासियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए, मतलब अब थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश शासन इनके प्रति सोचने लगे। दूसरा, इन्हें बेगारी से मुक्त मिली, जो इन लोग बेगारी था इससे इन लोगों को थोड़ा सा मुक्त मिला। तीसरा, मुंडाओं को जमीन संबंधित कई अधिकार भी प्राप्त हो गया, इन लोगों को जमीन से संबंधित कई अधिकार भी प्राप्त हो गया। इनके जमीन का सर्वे कराया गया कि मुंडा जनजाति लोगों का कितना जमीन है उनको दिया जाए और उसका सर्वे करवाया गया। पांचवा पॉइंट है, इनकी जमीन वापसी की गई, साथ ही इनकी भूमि बंदोबस्ती भी करवा दिया गया, कि ये मुंडा जनजाति लोगों का बंदोबस्ती भी करवाया गया और वापसी भी दिलवाया गया। ठीक है, छठा पॉइंट है, कई सामाजिक संस्कृति तथा धार्मिक समस्याएं जैसे शराबखोरी, अशिक्षा, बलि प्रथा आदि का उन्मूलन हुआ था, समाज में आधुनिकता को बढ़ावा मिला। मतलब जो गलत गलत तरीके से जो समाज में आ गया था बुराइयाँ, उसको सही किया गया और आधुनिकता को बढ़ाया मिला, यानी समाज में आधुनिकता का मतलब यह नया नया विचार, नया नया उपकरण, नया नया सुधार आने लगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आधुनिकता। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों, क्या है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या समझ में नहीं आया, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में यस या नो में कॉमेंट में जरूर अपना रिप्लाई देना। ठीक है,
और बहुत मेहनत से समझाना पड़ता है दोस्तों, नॉन स्टॉप बिना रुके 19 मिनट बनाना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। वीडियो बनाना 19 मिनट, और ख़ास करके आप लोग के लिए नहीं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, तब हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ 19 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।